राजेश जी आप ले लीजिए ना, कोई भेजना होगा तो। बागबेड़ा में सुबह 10:30 के आसपास एक गोली चलने की घटना हुई थी। वो गोली बबलू सिंह नाम के एक व्यक्ति को लगी थी। उनके पाँव में गोलियां लगी, पीठ में गोली लगी और उनको घेर के गोली चलाई गई थी रनिंग रूम के पीछे। जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जमशेदपुर पुलिस ने उसमें तत्काल उनके बयान के आधार पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। घटना स्थल से 2 मोटरसाइकिल मिली, खूब सारे लाइव कार्ट्रिजेस और कोक के जो एम्प्टी कार्ट्रिजेस हैं वो मिले। आगे कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार इसमें किया गया है, जिसमें जो मुख्य लोग हैं वो हैं एक बॉडीगार्ड नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है बसंत उपाध्याय है, राहुल राजभर है, पप्पू घोष है, विशाल उर्फ लड्डू है। ये सब लोग घटना में संलिप्त थे और एक पिस्टल की रिकवरी की है और उसके साथ कुछ कार्ट्रिजेस। आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जितने बाकी के लोग हैं, बाकी के जो अपराधी हैं उनको जल्दी हम लोग गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेंगे। ये जितने भी लोग हैं ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और घटना का मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बबलू सिंह के सहयोगी थे मोटा सोनू, उनकी एक अवैध लैंड है रनिंग रूम के पास, यूँ कहा जाए कि एक छोटा सा प्लॉट है, उसी प्लॉट के ऊपर लेदा और जो इसके साथी हैं वो कब्जा करना चाहते थे। जो लेदा है वो गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा है और उसी घटना को उसी बात को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ। पहले से इन सबका क्रिमिनल हिस्ट्री है, जैसे बसंत उपाध्याय के ऊपर बर्मा माइंस में एक मर्डर केस में जिसमें इन लोगों ने अपने ही साथी को मार के फिर उसकी डेड बॉडी छुपा दी थी, जो पुलिस ने बड़े प्रोफेशनली काम करते हुए उस डेड बॉडी को फिर सड़ी गली अवस्था में रिकवर किया था बर्मा माइंस पुलिस ने। ऐसे लेदा और बाकी सबके ऊपर भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, बॉडी गार्ड भी जेल गया हुआ है। सभी को सर से ही गिरफ्तार किया गया, क्या कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? ये अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं तो सभी जगह का तो नाम लेना संभव नहीं है। ठीक।